हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का नया टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, क्या हमने क्या पढ़ा है अबाउट रिफ्लेक्शन, अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सो आई जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बट हम इस वीडियो में इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी वे से करने वाले हैं। उसके लिए आपको 3 रूल्स याद करने हैं। तो रूल्स क्या है, लेट अस डिस्कस द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल है आपके पास कि ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपने वो रिसेंट वीडियो देख लिया, तभी आपको पता चलेगा क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस और कनकेव मिरर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर होता है आपका ये, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हमें इमेज बनानी है, राइट। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इमेज कब बनती है, जब कम से कम एटलीस्ट 2 रेज मिल रही हो, राइट। कम से कम 2 रेज मिल रही हो। तो यहाँ पर पहला रूल रहेगा कि मान लो एक जो रे है, जब आपकी पैरलर आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे है आपकी इंसिडेंट रे, जब पैरलर आती है, ये है आपका कनकेव मिरर, पैरलर आती प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ पर जाकर स्ट्राइक बैक करती है, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और वापस कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्टिंग रे कहाँ जाएगी, ये होता है आपका, जब इसको हम पूरा ड्रॉ करते हैं तो ये आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है आपका फोकस। और ये याद रखेंगे, ये होता है पोल, जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस होता है। तो ये रे टकराने के बाद कहाँ जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द फोकस। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पैलर है तो वापस जाएगी फोकस पे। सिमिलरली सेकेंड रूल इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या रहेगा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेम ये आपका कनकेव मिरर है और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा आपका फोकस, तो अब अगर आपकी जो रे है फोकस पॉइंट से आती है, मान लीजिए ये रे आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, फोकस पॉइंट से आती है, इंसिडेंट होती है, तो टकराने के बाद ये पैरेलल आ रही थी, टकराने के बाद फोकस पे जा रही थी, ये आ रही है फोकस पे, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल याद होते ही सेकेंड रूल उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। और थर्ड रूल वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये है आपका कनकेव मिरर। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी वापस इसी पार्ट पे। तो जैसे ही आए वैसे ही वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक, उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं जिससे आपको बहुत इजीली हम फॉर्मेशन बना सकते हैं इमेजेस की बाय कनकेव मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो 6 इमेजेस की फॉर्मेशन हमने कैसे किया उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ 6 बॉक्सेस बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट में बनाई है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही मैंने 6 केसेस बना लिए। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता कि ये सी के पीछे कहाँ पड़ा हुआ है, तो बहुत दूर भी पड़ा हो सकता है, राइट। तो अगर बहुत दूर पड़ा हुआ है तो सबसे पहला केस हम क्या ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यानी कि यहां से सबसे पहले अगर मैं पहला केस लेती हूँ कि उससे वहां से पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, तो जब पैरेलल इंसिडेंट रे होती है तो हमने आज ही अभी अभी थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने रूल कि जब कोई लाइन आपकी पैरेलल आ रही होती है तो वो कहाँ जाकर स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होती है, फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ पर ऐसे ही मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर जाएगी, इस तरह आएगी फोकस पे। सिमिलरली दूर पड़ा है ऑब्जेक्ट तो यानी कि यहाँ से भी पैरेलल आ रही होगी लाइन,
पैरेलल आ रही है फिर से स्ट्राइक होने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी, सेम रूल अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये चली गई इमेज। तो अब इमेज बनेगी यहाँ पर क्यों? क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे आपकी मीट हो रही हैं। कहाँ मीट हो रही हैं? फोकस पे। बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं इसी चीज को देखते हुए इमेज की पूरी डिटेल लिखना चाहूँ तो क्या बनेगी? जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपकी सबसे पहले बनेगी हाईली स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी पॉइंट साइज्ड। और ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, आप देख सकते होगे कि ये तो मिरर है, मिरर का ये पॉलिश सरफेस है, ये उसके सामने बन रही है इमेज। तो ये जो इधर बन रही है इमेज, यहाँ पर क्या होगी? रियल होगी, क्योंकि हमें एक्चुअल में मीट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगी? रियल। एंड इन्वर्टेड, वाई इन्वर्टेड? हमें कैसे दिखाई देगी? इन्वर्टेड का मतलब थोड़ी सी उल्टी दिखाई देगी आपको, अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। सेकेंड केस आपके पास आता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी पास में हो, सी के पीछे, ठीक है? तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ए बी। अब सबसे पहला वाला रूल क्या लगेगा? कि सबसे पहले तो इमेज आपकी जो है, इंसिडेंट रे है, पैरेलल फॉल कर रही है प्रिंसिपल की। तो फर्स्ट रूल क्या था? वो फोकस से जाएगी, ले गए फोकस से। अब देखिए, अब ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है? दूसरा केस क्या बनता है आपका? कि वो पैरेलल, अगर वो फोकस से जाए तो वो पैरेलल जाती है, राइट? तो आप यहाँ पर दूसरा केस भी लगा सकते हो कि यहाँ फोकस से गई और फिर पैरेलल चली गई, राइट? तो फोकस से जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, तो कहाँ जाएगी इमेज? यहाँ पर बनेगी, राइट? अगर मेरा मन नहीं कर रहा है सेकेंड वाला लगाने के लिए रूल, तो मैं थर्ड भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा सकती है, राइट? तो चलिए मैं थर्ड रूल लगा लेती हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देती हूँ। क्या होगी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी? इंसिडेंट, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड भी सेम पाथ में जाती है वापस। ये रूल थर्ड था, दोबारा देख लीजिए एक बार। जब यहां से आ रही है, यहीं से वापस चली जाएगी। तो यस, आप सेकेंड रूल भी लगा सकते थे, आपने थर्ड भी लगा लिया। तो दोनों ही केस में इमेज कहाँ बन रही है? इस साइड बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश, ये हो जाएगा आपका बी डैश। तो जो इमेज बन रही है वो एक्चुअल में तो रियल बन रही है, क्योंकि हमें एक्चुअल में आपकी रिफ्लेक्टिंग इमेजेस, रिफ्लेक्टिंग रेस आपकी मीट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? और इमेज बन कैसे रही है ऑब्जेक्ट से? छोटे साइज में बन रही है। तो आप क्या लिखोगे कि इमेज का साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। और सेकंड क्या लिखोगे आप? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज बन कहाँ रही है आपकी? बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये तो तीन पॉइंट हो गए, फर्स्ट में आई थिंक हमारा एक रह गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एट एफ, फोकस पे आपकी इमेज बनेगी। चलिए थर्ड करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से उठाकर सी के पीछे ले आए थे, अब कहाँ बनेगा आपका ऑब्जेक्ट? अब मैं यहाँ से उठाकर ले आती हूँ सी पर, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम पास लेकर आ रहे हैं मिरर के। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से, फिर हम लेकर आए बियॉन्ड सी, अब हम लेकर आ रहे हैं एट सी। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया एट सी पर, नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो सबसे पहला क्या जाएगा? ये पैरेलल, पैरेलल से होता हुआ कहाँ जाता है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग? फोकस पे, फोकस से पास करती है रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, तो हमने फर्स्ट रूल लगा लिया कि पैरेलल जा रहा है, ठीक है? थर्ड रूल हम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो सी पर ही पड़ा हुआ। तो कौन सा बचा? सेकंड। सेकंड क्या कहता है? कि अगर हम एफ से पास करते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो पैरेलल जाती है। तो बस हम वही करेंगे, हम इसको एफ से पास कराते हैं। ये होगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कहाँ से बनेगी आपकी? बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाएगी इसके। तो ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये एक्चुअल में मेरे से वो एग्जैक्ट बनी नहीं है। जब आप एक्चुअल में स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल आपकी सेंटर ऑफ यहाँ से जाएगी, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से यहाँ पर मीट करेगी। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा तो हमारी इमेज भी कहाँ बनी? एट सी बनी।
और ध्यान से देखना, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज आपकी इमेज का बनेगा, तो हम लिखेंगे सेम साइज। सेम साइज की बनेगी एज द ऑब्जेक्ट साइज। और थर्ड चीज, अब क्या आपको दिख रही है, और ये जो इमेज है रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल का मतलब कि हमें जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती है अपीयर्स टू मीट, बट यहाँ पर तो एक्चुअल में मीट कर रही है, तो क्या होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ था, इस तरीके था, और अब हमें दिख कैसे रहा है, सी पर, इस तरीके से इसकी इमेज दिख रही है, एंड इन्वर्टेड। चलिए हम पहले इन्फिनिटी से ले आए, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, अब नेक्स्ट केस कौन सा बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। तो अब नेक्स्ट केस लेते हैं, उसमें क्या रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, तो ये है ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो क्या कहता है सबसे पहला रूल कि जब वो पैरेलल फॉल करेगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। तो ये रहा आपका फर्स्ट रूल। ओके, सेकेंड रूल क्या कहते हैं कि अगर वो फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल होकर जाएगी, तो फोकस से जाएगी तो ये रहा फोकस, और अब कहाँ जाएगी, पैरेलल होते हुए जाएगी, ये रही पैरेलल होते हुए जाएगी। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस तरीके से, ये हो गया ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इमेजेस कैसे जा रही हैं, एक तो बियॉन्ड सी बन रही है, नंबर वन इमेज आपकी बन रही है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दूसरी बात, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसके ऑब्जेक्ट उसके साइज से बड़ी इमेज बन रही है, तो क्या लिखेंगे, एनलार्ज बन रही है इमेज। और क्या बात करेंगे इसके बारे में, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअली रेक्ट है, रियल इन्वर्टेड बन रही है बिकॉज ये कहाँ बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, तो लिखेंगे हम रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी बन रही है, जैसे कि ये इस तरह से पड़ी हुई थी, अब ये इस तरीके से बन रही है। तो ये तो दो रूल हो गए। थर्ड रूल एक और भी हम लगा सकते थे क्या, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम कैसे कर बना सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें तो अगर मैं पीछे तो नहीं ले जा सकती ना, रे रे तो आगे ही फॉल कर रही है, जैसे ही इससे टकराएगी तो ये बैक साइड अगर मैं इसकी बढ़ाऊंगी ना, तो वो भी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट एक या दो रे तो फेंकता नहीं है, कितनी सारी रे फॉल कराता है, तो उनमें से सिर्फ हम कोई दो लेते हैं, राइट। ऐसी अगर हम फिफ्थ केस की बात करें, नेक्स्ट केस आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये रहा ए, ये रहा बी। तो सबसे पहला केस तो वही हो जाएगा क्या, कि हमने इसको पैरेलल फॉल कराया और वो कहाँ से निकल गई, ये निकल गई फोकस से निकल गई, राइट। अब दूसरा हमने लिखा था यहाँ पर कि हम फोकस से करवा रहे, अब ये फोकस पे पड़ा हुआ, अब हम फोकस से तो नहीं करा सकते। अब नेक्स्ट केस कौन सा होगा कि हम इसको किससे करवाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बैक तो फॉल नहीं करेगी, कैसे फॉल करेगी, फॉरवर्ड फॉल करेगी। तो हम जैसे इसको फॉरवर्ड फॉल कराते हैं, तो अब अगर हम इस रे को एक्सटेंड करके देखें तो ऐसा लगता है कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, एंड थर्ड रूल अप्लाई हो जाएगा कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों की दोनों हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं, राइट। अब मैथ के बारे में बात करें कि तो दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम मानते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, कहीं दूर जाकर ये मीट कर जाती हैं। तो अब जब इमेज बनेगी तो वो कहाँ बनेगी, सबसे पहले एट इन्फिनिटी बनेगी, बहुत दूर जाकर बनेगी, राइट। और अगर हम बात करें, अगर दूर जाके बनेगी तो ऑब्जेक्ट के साइज से तो बहुत बड़ी बनेगी, तो क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड बनेगी इमेज। और लेफ्ट हैंड साइड पे ही है तो रियल है, और उल्टी बनेगी, मीट करेंगे तो नीचे ही करेंगे, तो क्या होगी, ये रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए लास्ट केस देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि वो कहाँ पर होगी, अगर मैं ये F है और ये P है, P मतलब कि पॉल और फोकस, इसके बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला केस पैरेलल का, तो पैरेलल फॉल करेगी तो कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, राइट। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर किया था कि आगे हम फॉल कराते हैं, आगे हम अगर हम करवाते हैं तो बैक साइड से अगर मैं इसको पुश करती हूँ, इसको एक्सटेंड करूँ, तो वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं इसको आगे करवाती हूँ
तो अगर बैक साइड से इसको एक्सटेंड किया जाए तो वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगी। यही थर्ड रूल कहता था, राइट। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे पैरेलल नहीं दिखाई दे रही, ये किस तरीके की दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की दिखाई दे रही है, राइट। अब दो इस तरीके की हैं तो ये पीछे जितना मर्जी मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ तो ये कभी मीट करें, ये देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, क्या ये दो रेज कभी बैकवर्ड साइड में मीट करेंगी, नहीं करेंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ, आगे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ इस तरीके से, तो अब ये यहाँ पर मीट कर रही हैं, राइट। तो ये देखिए, ये मीट हो गया, ये बन गया आपका ए डैश और ये बन गया बी डैश। तो देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, ये क्या है, हमने अपनी इमेजिनेशन से इनको मीट करवाया है, हमने इमेजिनेशन से मीट कराया, मतलब कि वो रियल तो है नहीं, राइट। तो क्या हुई वो वर्चुअल, तो थर्ड पॉइंट सबसे पहला हमें मिल गया, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो सेकेंड पॉइंट, बन कहाँ पर रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा बिहाइंड द मिरर। फिर दूसरा पॉइंट कैसे है, ऑब्जेक्ट के साइज से तो बड़ी है, उसे हम लिख देंगे एनलार्ज्ड। तो अभी तक आप देखते आ रहे थे कि पांच केसेस में सभी के सभी में क्या बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी, सिर्फ लास्ट केस में आपका क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे आप नॉर्मल अपनी मिरर्स में देखते हो तो आपकी इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है, राइट। बट वहाँ पर आप एक्चुअल में प्रेजेंट थोड़ी हो, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कैंडल रखी है और यहाँ पर मिरर है, मिरर के इस साइड पर आपको क्या दिख रही है, कैंडल की इमेज दिख रही है। अब ये इमेज आपकी रियल थोड़ी है, राइट। तो आपको सिर्फ दिखाई दे रही है, इमेजिनेशन है, तो जिसे हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलिए अब एक छोटी सी ट्रिक करते हैं कि इन सिक्स के सिक्स केसेस को याद कैसे रखा जा सकता है। तो याद करने के लिए मैंने ये बना लिया है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना लिया है कनकेव मिरर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पोल। तो सबसे पहला केस क्या था कि जब आपका ऑब्जेक्ट, ये मैंने ब्लैक से मार्क किए हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो सबसे पहला केस क्या था कि जब आपका ऑब्जेक्ट किस पर हो, इन्फिनिटी पर हो, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, आपकी इमेज बन रही थी यहाँ पर फोकस पे, इतनी छोटी सी। अब मैं जो इमेज है वो रेड से मार्क कर रही हूँ, तो जो इमेज बन रही थी वो आपकी बन रही थी फोकस पे, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट की इमेज। फिर सेकंड क्या था, सेकंड था आपका बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो उसके बाद जो आपकी सेकंड इमेज बन रही थी वो बन रही थी कहाँ पर, एफ के पीछे, इनकी बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस में एट सी, तो इमेज भी कहाँ बन रही थी आपकी, एट सी। उसके बाद फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो था बिटवीन सी एंड एफ, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। फोर्थ, उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट था एट एफ, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, एट इन्फिनिटी, राइट। और फिर लास्ट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट था बिटवीन एफ एंड पी, तो आपकी अब इन्फिनिटी से तो दूर नहीं जा सकती ना, तो फिर कहाँ बन रही थी आपकी इमेज, बिल्कुल बिहाइंड द मिरर, इस साइड पर। ये हो गया आपका सिक्स्थ केस, मतलब यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट पास जाता जा रहा है, यहाँ से इमेज आपकी दूर जाती जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको नंबर वाइज लर्न कर सकते हो। तो हमने अब पढ़ लिए सिक्स के सिक्स केसेस ऑफ कनकेव मिरर, अब हम पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशंस, यानी कि उन केसेस को हम डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूज़ क्या है। तो सबसे पहला यूज़ है कनकेव मिरर का, दैट इज़ सोलर हीटर या सोलर कुकर। तो अब सोलर हीटर या कुकर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को, तो यहाँ मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ जिससे हम समझेंगे। तो ये मैंने रखा है कनकेव मिरर, ये है सन, सन से जो सनलाइट आ रही है, पैलर आ रही है सभी की सभी। तो जब दूर से कोई सनलाइट आती है, कोई रेज आ रही होती है, पैलर आ रही होती है, वो कहाँ जाकर मीट करती हैं, वो सभी की सभी मीट करती हैं फोकस पर, राइट। इधर फोकस पर मीट करती हैं, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ फोकस पे सभी के सभी मीट करती हैं, तो हम क्या करते हैं, इस फोकस पॉइंट को सर्च करते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं एक कुकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलर कुकर।
तो जब हमने यहाँ पर कुकर रख दिया तो सारा फोकस पे हमने कुकर रख दिया, राइट। तो जैसे ही सन रेस आ रही थी और फोकस पे जाकर मीट हुई, तो इस फोकस पॉइंट पर इतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस हुई, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, जिससे कि इसके अंदर जो आपने अगर पोटैटो बॉयल होने के लिए रखे हैं वो बॉयल हो जाएंगे, राइस कुक होने के लिए रखे हैं वो कुक हो जाएंगे, तो मतलब आपका खाना कुक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। तो ये कौन सा केस हमने यहाँ पर यूज़ करा है? फर्स्ट, जहाँ से इंसिडेंट रेस जो होती हैं वो दूर से इन्फिनिटी से आ रही होती है और कहाँ जाके मर्ज होती हैं? फोकस पर मर्ज होती हैं। तो अब सेकेंड क्या यूज़ है इसका? सेकेंड यूज़ है इसका आपकी व्हीकल्स में जो हेडलाइट्स होती हैं वो, या कार हेडलाइट्स या स्कूटर बाइक जो भी हेडलाइट्स होती हैं वहाँ पर आपके कनकेव मिरर यूज़ होते हैं। कैसे? लेट अस डिस्कस। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइव कर रहे हो और ये आगे मैंने हेडलाइट को थोड़ा बड़ा बना दिया, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान से अच्छे से देख सकोगे। तो मान लीजिए आपकी जो हेडलाइट्स होती हैं वो बाहर की तरफ कर्व्ड होती हैं, आपको लगता है कि ये कनकेव मिरर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो बाहर की तरफ मिरर होता है ये आपका होता है प्रोटेक्टिव मिरर। ये एक मोटा सा ग्लास होता है, बहुत थिक ग्लास होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो अब इसके अंदर कैसे सिस्टम होता है जो हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं? देखिए, यहाँ पर एक बल्ब लगाया जाता है और यहाँ पर रखा जाता है क्या? एक कनकेव मिरर। इधर ये रखा जाता है कनकेव मिरर। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, जब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है, बल्ब लगाया हुआ है, जिसकी लाइट रेज जो है वो कहाँ पर गिर रही हैं? कनकेव मिरर पे गिर रही हैं, राइट। तो कनकेव मिरर पे गिरने के बाद वो क्या करती हैं? जैसे ही गिरी और ये जाती हैं बिल्कुल सीधा पैरलर, इस तरीके से पैरलर जाती हैं। तो ये हो गया बल्ब, ये हो गया कनकेव मिरर। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव मिरर, यहाँ पर बल्ब जिससे रेस, इंसिडेंट रेस यहाँ पर गई और मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल होकर कहाँ जाती है? स्ट्रेट, जिससे आप दूर तक ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो रात को, राइट। सो अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि कौन सा केस होगा जिससे कनकेव मिरर से ये टकराने के बाद सीधा पैरेलल होके बाहर निकलती है। यस, बिल्कुल फर्स्ट का ऑपोजिट, जब हमने बल्ब को रखा होगा बिल्कुल फोकस पर, फोकस पर हमने इसको रखा होगा सो दैट यहाँ से जो रेज जाएं और फिर वो टकराकर बिल्कुल सीधी पैरेलल जाएं, राइट। ओके, सो थर्ड केस है, अब आपका थर्ड एप्लीकेशन है कि जो डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं वो कैसा होता है। तो अब डेंटिस्ट कैसे यूज़ करेंगे कनकेव मिरर को? तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक टीथ जिसको मिरर में देखना है डेंटिस्ट ने, राइट। तो अब वो छोटा सा टीथ उसको उसने अच्छे से देखना है, बड़ा करके देखना है, राइट। तो वो जो डेंटिस्ट है वो क्या करेगा, वो मिरर को इतनी पास लेकर जाएगा आपके टीथ के, सो दैट उसकी जो इमेज बने मिरर के ऊपर वो क्या बने? बहुत बड़ी बने, एनलार्ज्ड बने। और ऑब्वियस ही बात है, टीथ कैसे दिखना चाहिए? बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए, उसको उल्टा दिखेगा तो कैसे काम कर पाएगा। तो यानी कि उसकी इमेज क्या होनी चाहिए? इरेक्ट। एंड इरेक्ट के साथ क्या बनता है? फिर वर्चुअल बनता है। वैसे हम क्या लिखते हैं इसको? वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब कि आपकी मिरर के अंदर बने, इरेक्ट मतलब बिल्कुल की सीधी बने, यानी कि इस तरह से बड़ी सी सीधी बने, ताकि जो डेंटिस्ट है टीथ को देखकर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सके, राइट। तो अब मुझे ये बताओ, तो कनकेव में ऐसा कौन सा केस था जहाँ पर जो इमेज हो इरेक्ट और वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बने? वो केस था आपका बिल्कुल लास्ट, दैट इज सिक्स्थ केस, जब क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करते हैं? बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तब जाकर जो आपकी इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बिल्कुल सीधी और बड़ी बनती है। तो यानी कि जो डेंटिस्ट है वो मिरर को आपके टीथ के बहुत क्लोज लेकर जाता है, यानी कि फोकस से भी और क्लोज लेकर जाएगा, तब जाके वो इमेज को देख पाएगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कन्वेक्स के इमेजेस और कैसे बनती हैं और उसके यूजेस। थैंक यू।